इसमें क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड सी इफेक्टिव ए एंड बी बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के इफेक्टिव क्या बताना है आपको, सी इफेक्टिव बताना है, ए पॉइंट ये है और बी ये है, इसके अक्रॉस सी इफेक्टिव बताना है। तो इसको सोल्व करने के लिए पहला कट आप लगा दो ए बी के अलोंग, इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ए बी के अलोंग क्या लगा दो, फर्स्ट कट। तो इस केस में ए बी के अलोंग अगर फर्स्ट कट लगाओगे तो ये, और फिर कट लगा दो आप ऐसे, तो फर्स्ट जो डायग्राम बनेगा, फर्स्ट कट अगर ए बी के अलोंग लगाएंगे अब दूसरा कट लगा दो आप ऐसे, तो जो डायग्राम बनेगा वो ऐसे बन जाएगा। एक प्लेट घर से लगा दो, फिर एक और, फिर स्लैब, इन दोनों को कनेक्ट कर दो स्लैब, और ऐसे ए बी। अब इस केस में इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है 2, इसका 4, 2 एरिया जो होगा इसका हो जाएगा ए बाई 2, इसका एरिया भी क्या होगा ए बाई 2 और ए बाई 2, इसके जो गैप है वो डी, डी बाई 2 और डी बाई 2। एरिया आपको यहाँ पे 2 मीटर स्क्वेयर दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा 1 मीटर स्क्वेयर, हाफ करोगे तो इसका एरिया भी हो जाएगा 1 मीटर स्क्वेयर, इसका एरिया भी क्या हो जाएगा 1 मीटर स्क्वेयर, और जो डी की वैल्यू दे रखी है वो 2 मीटर, तो ये 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, और इसकी वैल्यू होगी 2 मीटर। अब यहाँ पे ये दोनों जो हैं, इसका कैपेसिटेंस मान लो C1, इसका कैपेसिटेंस होगा C1 और इसका C2 और इसका होगा C3। तो C1 और C2 क्या है, सीरीज में है, फिर C1 और C2 का जो इफेक्टिव आएगा वो C3 के साथ क्या है, पैरेलल में। तो इस केस में पहले C1 और C2 का अगर हम इफेक्टिव निकालें तो C1 की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 2A ε0, सॉरी C इफेक्टिव आ जाएगा आपके पास A ε0, C की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है A ε0 बाय में डी। यहाँ पे अगर स्लैब डाल रखी है तो क्या हो जाएगा A ε0 K बाय में डी, तो A ε0 K बाय में डी, ए की वैल्यू है 1, ε0 K की वैल्यू दे रखी है आपको 2, डिवाइड बाय में डी है 1, तो आ जाएगा 2 ε0। C1 की वैल्यू आ गई आपके पास 2 ε0, C1 की वैल्यू है 2 ε0, और C2 की वैल्यू आ जाएगी A ε0 K 2 डिवाइड बाय में डी, ए की वैल्यू है 1, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 इंटू में ε0, K की वैल्यू दे रखी है आपको 4 डिवाइड बाय में डी है 1, तो आ जाएगा 4 ε0। अब C1 और C2 क्या है, सीरीज में है, तो C इफेक्टिव क्या हो जाएगा इन दोनों का, C1 C2 डिवाइड बाय में C1 प्लस C2, तो C1 है 2 ε0 इंटू में C2 4 ε0 डिवाइड बाय में 2 ε0 प्लस 4 ε0, तो 6 ε0 का स्क्वेयर डिवाइड बाय में 6 ε0, ε0 से 1 ε0, 6 से 6 कैंसिल, तो इन दोनों का इफेक्टिव आ गया ε0। और अब ये C3 के साथ क्या है, पैरेलल में, C3 के साथ क्या है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर दी, यह आ जाएगा आपके पास ε0। तो यहां से अब जो फाइनल आंसर आएगा
अब जो एप्सिलॉन नॉट है वो सी थ्री के साथ क्या है पैरेलल में, तो सी इफेक्टिव नेट जो होगा वो क्या जाएगा एप्सिलॉन नॉट प्लस में सी थ्री, एप्सिलॉन नॉट सी थ्री की वैल्यू होगी ए एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे मैं सी थ्री की वैल्यू यहाँ लिख रही हूँ, सी थ्री की जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी ए एप्सिलॉन नॉट के थ्री डिवाइड बाय में डी, ए की वैल्यू है वन एप्सिलॉन नॉट, के थ्री की वैल्यू है टू डिवाइड बाय में डी की वैल्यू है टू, तो आ जाएगी आपके पास एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट प्लस में C3 की वैल्यू, इसको रेसिप्रोकल करोगे तो C इफेक्टिव जो आ गया वो आपके पास एप्सिलॉन नॉट सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, फोर इंटू टू एट एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई एट एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई में सिक्स एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास फोर एप्सिलॉन नॉट बाई में थ्री, ये होगा सी वन और सी टू का इफेक्टिव। अब सी वन अब जो फाइनल आंसर है सी वन और सी टू का इफेक्टिव सी थ्री के साथ क्या है पैरेलल में, तो यहाँ से सी यानी कि फोर एप्सिलॉन नॉट बाई में थ्री प्लस में क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट, तो इन दोनों का थ्री एलसीएम ले लेंगे, फोर एप्सिलॉन नॉट प्लस में थ्री एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा सेवन एप्सिलॉन नॉट बाय में थ्री, ये होगा इसका फाइनल आंसर, यानी कि ये दोनों है सीरीज में फिर इन दोनों का इफेक्टिव इसके साथ क्या है पैरेलल में, तो आंसर आ जाएगा आपके पास सेवन एप्सिलॉन नॉट बाय में थ्री, सेवन एप्सिलॉन नॉट बाय में थ्री, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन।